Good morning and greetings to all of you in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात और आज की सुबह मैं आप सबका अभिवादन करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. We have entered into another new week for the new month. और इस नए महीने के एक नए हफ्ते में हमने प्रवेश किया है. So we are already in the 10th month of 2021. और हम अब 2021 वर्ष के 10वें महीने में हैं. It seems this year is traveling very very fast. और मानो ऐसा लगता है कि ये साल बड़ी जल्द ही यात्रा कर रहा है. And that means the coming of the Lord also is drawing very near. और इसका मतलब ये भी है कि परमेश्वर का आगमन भी निकट है. And we need to be fully prepared for his coming. और हमें तैयार होना है पूर्ण रीति से उसके आगमन के लिए. And so let us listen today's meditation word to understand what God is speaking to us. और इसलिए आइए आज की सुबह हम इस मनन के वचन को सुने कि परमेश्वर क्या हमसे बात करना चाहता है. Matthew chapter 5 verses 13 to 16. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय और 13वें वचन से लेकर 16वें वचन तक है. This is what we read in this passage. और इस बात को हम इस वचन में पढ़ते हैं. You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. Now you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. Now in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर से किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा. फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसी के कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए. तुम जगत की ज्योति हो. जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है. उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें. Now Jesus Christ is very specific about what believers' life here on earth should be. और यीशु मसीह इस बारे में बड़ा ध्यान रखता है और सावधानी बरतते हुए कहता है कि कैसे एक मसीह का जीवन इस पृथ्वी पर होना चाहिए. Now here Jesus says a disciple who follow him, he is salt. और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि वो चेला जो उसके पीछे चलता है वो एक नमक के समान है. He is also light. और वो ज्योति भी है. And so the church of Jesus Christ here in this world must perform the work of these two elements that are mentioned here. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को इस पृथ्वी पर ये दो बातों को या इन दो तत्वों को जहां जो बातें यहां मौजूद है, ज्योति और नमक, इन दो बातों को करना आवश्यक है. Salt gives flavor and is used as a preservative. और नमक स्वाद देता है और खाने की चीजों को बचाने के काम या उनको सुरक्षित रखने के काम भी आता है. There is a saying. और एक कहावत है. A dish without salt should go into the dustbin. एक ऐसा खाने की प्लेट जिसमें नमक ना हो वो कूड़ेदान में फेंक दी जाए. Jesus expects his followers to be like salt in a corrupt world. और यीशु मसीह तो ये चाहता है कि उसके विश्वासी इस भ्रष्ट संसार में एक नमक का कार्य करें. The salt stands for righteousness. और याद रखिए जो नमक है इसका मतलब है धार्मिकता. As long as they are salty, they will have a beneficial influence upon the society
and upon the world. और जब तक वे नमकीन हैं तब तक इस संसार और इस समाज पर उनका एक लाभकारी कार्य होता रहेगा. Salt give taste. और नमक तो स्वाद देता है. Salt preserve. और नमक ही सुरक्षित रखता है. And these are two elements that is missing today. और ये ऐसे दो तत्व हैं जो आज के दिन संसार में नहीं पाए so जाते. There is no peace. और इसलिए कोई शांति नहीं. There is no unity. कोई एकता नहीं. There is no righteousness. कोई धार्मिकता नहीं. And no justice. कोई न्याय नहीं. And that is what happened when we do not people and therefore we as God's people have this responsibility to bring these things into the people among whom we serve. और इसलिए परमेश्वर के जन होते हुए विश्वासी होते हुए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों के बीच में ये नमकीन बना देने वाली बातों को लेकर के आएं. Similarly, और साथ ही साथ Jesus followers should be the light of the world. इसी प्रकार यीशु मसीह के अनुयायियों को संसार की ज्योति भी होना है. And light is a universal symbol of purity and truth. और याद रखिए ज्योति एक चिन्ह है वैश्विक रूप से सच्चाई का और शांति का. As opposed to impurity, ignorance and error. जैसे कि वो चिन्ह है पवित्रता और सच्चाई का और इसके विपरीत जो बुराई और अपवित्रता पाई जाती है. As the community of Christ disciples should make as much impact on the surrounding society as a city high on a hill makes on the surrounding darkness. और इसलिए मसीह के चेलों के समाज को एक इस प्रकार का प्रभाव या प्रभाव इस जगत पर डालना है जिस प्रकार एक ऐसा स्थान एक ऐसा घर जिसे चोटी पर स्थापित किया गया है वो अंधकार की नगरी पे प्रकाश को फैलाता है. On the other hand, लेकिन दूसरे हाथ पर if they keep their righteousness secret, अगर वो अपनी धार्मिकता को छिपा कर रखे they are like oil lamps covered up and whose light cannot be seen. वो तो उस समान दिए हैं जिसमें तेल तो है लेकिन वो छिपा करके रखे गए हैं और उन्हें कोई देख नहीं सकता. Now these images challenge us to reflect on our influence in society. और ये जितने भी दृश्य या उदाहरण हम वचन में देखते हैं ये हमें चुनौती देते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव हम अपने समाज में डालते हैं. As a small Christian minority और एक छोटी सी मसीही समाज होते हुए multi-religious society और एक ऐसे समाज में जहां भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म पाए जाते हैं it is easy to become inward looking तब ये बहुत आसान है कि हम खुद को अंदर खुद को देखना शुरू कर दें and then distance ourselves from other communities और दूसरे समाज से खुद को दूरी बना करके रखें. On the other hand, लेकिन दूसरे हाथ पर Jesus concluded this. यीशु ने इस बात का निष्कर्ष निकाला इस दृष्टांत का. By saying, ये कहते हुए, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें. Now here, Jesus is comparing a good works as light shining. और यहाँ पर यीशु मसीह भले कामों की तुलना कर रहा है उस ज्योति से जो चमकती है. So we need to involve ourselves in doing good works and works but the works have to be good aur isliye hame khud ko dena hai karyon ko karne mein jo bhale karye ho benefiting the society and people aur jo logo aur samaj ke liye labh ka karan bane and therefore christians work have to be very unique aur isliye masiyon ke karye bade alag hone chahiye and we know that india has tremendously been impacted by the good works of Christian missionaries for many 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 years aur hum jante hain ki bharat mein kis prakar se masihi seva karya karne walon ki wajah se ek bada hi bada prabhav
कितने सालों से पड़ रहा है। इन एवरी एरिया ऑफ डेवलपमेंट, और वो बढ़त का हर एक जगह या हर एक ऐसा स्थान जहां हमें उपलब्धियां मिली हैं, वेदर इट इज लिटरेचर, चाहे वो पढ़ाई क्यों ना हो, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस या भाषाओं को लिखना और उनको अनुवाद करना, डेवलपिंग हेल्थ वर्क या स्वास्थ्य कार्य के काम को करना, एजुकेशन और शिक्षा के कार्यों को करना, प्रिंटिंग पब्लिसिटी और छापना और अखबार को लिखना, इन एवरी एरिया ऑफ डेवलपमेंट, हर एक एरिया जहां पर हम उन्नति करते हैं, क्रिश्चियंस कंट्रीब्यूशन इज वेरी ग्रेट, मसीहों का जो योगदान है वो बहुत महान है। But now, लेकिन अब there must still be good works done so that Christians influence upon the society will be positive and they will glorify our God in heaven। और अभी भी हमें ऐसे कार्यों को करना है ताकि मसीहों का जो छा जो प्रभाव है वो ज्योति और नमक के समान हो और उसके द्वारा हम अपने पिता को महिमा देने पाए। However, लेकिन फिर भी the images of salt and light underline the importance of being both distinctive। और जो ये दृश्य यहाँ पर हमें मिलता है नमक और ज्योति का, ये इस बात को दिखाता है कि कैसे हम अलग हैं, एट द सेम टाइम इन्वॉल्व्ड, और कितना हमें खुद को अलग रखते हुए लोगों के संग जुड़ना भी है। वेरी डिस्टिंक्टिव, हम बहुत अलग हैं, बट आवर इन्वॉल्वमेंट इज वेरी लार्ज, लेकिन हमारा योगदान या हमारा हिस्सेदारी काफी बड़ी है। देयरफॉर, और इसलिए इट इज ओनली बाय बीइंग इन्वॉल्वड इन सोसाइटी वी कैन बी सॉल्ट एंड लाइट, सिर्फ समाज में हिस्सेदारी करने के द्वारा, योगदान देने के द्वारा ही हम वो ज्योति और नमक बन सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराबल एंड लेसंस दैट जीसस हैज टॉट अस, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसमें शिक्षा दिया और बताया। Amazing. बहुत ही अद्भुत। So let the people around us see the good works and glorify our और इसलिए दे जो लोग हमारे चारों ओर है, इर्द गिर्द है, वो हमारे भले काम को देखकर हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करें। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे and enable you और आप सबको सशक्त बनाए to be a salt ताकि आप नमक और ज्योति बनने पाए। Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, we thank you for what you meant us to be, क्योंकि तू हम धन्यवाद करते हैं जो तू चाहता है कि हम हो, but we are very backward these days, लेकिन इन दिनों में हम काफी पीछे चले गए हैं, to be salt and light, कि हम ज्योति और नमक बनने पाए, to very ordinary and yet very very important things that we need in life, क्योंकि बहुत ही साधारण लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमें जीवन में करनी है। We need the Holy Spirit. हमें तेरे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। And therefore we come to you. और इसलिए हम तेरे सम्मुख आते हैं। Enable us. हमें सशक्त बना। Because it is the Holy Spirit who gives us strength and enablement. क्योंकि ये तो पवित्र आत्मा है जो हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। In the name of Jesus our Lord. इन यीशु के नाम में जो हमारा प्रभु है। Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। This is a great day. ये एक महान दिन है। To be the salt and ताकि आप ज्योति और नमक बनने पाए। Around where you are. उस वातावरण के उस स्थान पर जहां पर भी आप पाए जाते हैं। आमीन। आमीन।